नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत और बात बड़ी खबर की, किसान आंदोलन की। थोड़ी देर में फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने फिर टीयर गैस दागी है। आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस दाग रही है किसानों को खदेड़ने की कोशिश, तो किसान भी डटे हुए हैं। खन्नौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। आंदोलन से दिल्ली और आसपास ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। बॉर्डर इलाकों में भारी जाम देखने को मिल रहा है। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो खबर आपको बता दें, किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है और किसान डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, पैनी नजर रखी जा रही है। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का दूसरा दिन है। शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिश करेंगे, वहीं प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा। तो अपनी मांगों पर अड़े किसान आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हैं। उधर प्रशासन ने भी किसानों को रोकने के लिए पुख्ता तैयारी की है। जगह जगह बैरिकेटिंग के साथ ही सीमेंट के बोल्डर लगाए गए हैं। प्रशासन ने टिकरी बॉर्डर सील कर दिया है, केवल पैदल जाने वालों को ही जाने दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नजारा एक जैसा, जहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। किसान भारी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर, जिसमें बताया जा रहा है राशन का सामान लेकर पहुंचे, यानी कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है तैयारी लंबी की हुई है। बॉर्डर पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लंगर सेवा यहाँ पर किसानों के लिए की गई है, जिससे कि उन्हें खाना पानी समय पे मिल जाए। ट्रैक्टर में राशन लेकर आए हैं। तैयारी लंबी है लड़ाई की उनकी, इससे समझ आ रहा है। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है।